फ्लावर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी, फ्लावर में किस तरह से एस्टिवेशन होता है उसके बारे में भी समझ लिया। अब बारी है इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस में हम फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरह से होता है एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, यानी कि कई बार सिंगल फ्लावर होते हैं और कई बार ग्रुप ऑफ फ्लावर्स भी होते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ फ्लावर में किस तरह से अपडेट होता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का जो इस वक्त सेशन में जुड़े हुए हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इनफ्लोरेसेंस। चलिए स्वागत है बच्चों आप सभी का। वीरेंद्र ने ज्वाइन किया, अर्नब, अभिषेक, निकिता, अनवर, फाहीन, अभिषेक शर्मा, क्या बात है, बहुत से बच्चे आ चुके हैं। जैस्मिन आ चुकी हैं, इसके अलावा गुरप्रीत ने ज्वाइन कर लिया, हर्षिता ने ज्वाइन कर लिया, स्वागत है बच्चों। क्विक स्पेस में अब स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, और ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। सो इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट दीज सेशंस आर रनिंग। बच्चों टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ना बड़ा आवश्यक है, आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, गो टू ब्राउजर, टाइप tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neatmobile, आप सारे पुराने लेक्चर देख पाएंगे। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। राइट बच्चों, हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन बैचेस के साथ जुड़ें और अपनी मंजिल की तैयारी की तरफ बढ़ चलें। करना क्या है, बड़ा सिंपल, प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, इसके बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट करिए नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो, यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर लीजिए और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। आप मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल के सफर को तय करने में कामयाब होंगे। राइट, इसमें जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन है, इसमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे बेटर होता है, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा वक्त का कवरेज देता है और प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है बिटवीन 12 मंथ एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। इनफ्लोरेसेंस, निदा, डायमंड, गौरव, अर्नब, गुरप्रीत, हर्षिता, अभिषेक, जितने बच्चे इस वक्त सेशन में जुड़े हुए हैं सारे बच्चे क्विकली सेशन को लाइक करें और आगे बढ़ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, बात करने वाले हैं हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो बच्चों इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, पुष्प क्रम के नाम से जाना जाता है इसको हिंदी में, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जिसमें फूल खिलते हैं। जरूरी नहीं एक फूल भी हो सकता है, एक फ्लावर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और बहुत से फ्लावर एक साथ हो सकते हैं। तो वो जो स्टॉक जिसके ऊपर इतने सारे फ्लावर खिलते हैं उसी को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस क्या है, जैसे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, वैसे ही इनफ्लोरेसेंस भी तो मॉडिफाइड शूट ही है, इट इज नथिंग एल्स। अब यहां पर एक चीज बड़े गौर से देखिए, कलियां तो आपको ऊपर तक दिखाई दे रही हैं लेकिन खिलने का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ है, तो यानी कि यहां पर भेद है। कभी कभी कलियां ऊपर से नीचे की तरफ खिलती हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ खिलती हैं। इसी के आधार पर हम इनफ्लोरेसेंस को डिफरेंट टाइप्स में विभाजित करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में हम इनको ब्रेक करते हैं इसी आधार पर कि किस तरह से इनमें कलियां खिल रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ खिल रही है, नीचे से ऊपर की तरफ खिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनफ्लोरेसेंस के बारे में जरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और खिलते हुए फूल आपका स्वागत कर रहे हैं। इन फ्लावर्स को देखिए और इनको देख करके उत्सुकता तो जरूर हुई होगी आपके मन में कि ये किस पैटर्न में खिल रहे हैं, कितना खूबसूरत नजारा होता है जब फूल खिलते हैं, ये किस पैटर्न में खिलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसी के आधार पर हमने इनफ्लोरेसेंस की डिफरेंट यानी कि क्लासिफिकेशंस करी हुई है। सो लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस है क्या चीज, तो बच्चों जैसे हमने फ्लावर को कहा था मॉडिफाइड शूट है और फ्लावर में भी एक एक्सिस होता है, उसी एक्सिस के ऊपर सारे फ्लोरल वर्ल्ड जो हैं एसोसिएटेड होते हैं। फ्लोरल वर्ल्ड भी हमने समझ लिया किस तरह से रिंग में अवस्थित होते हैं। तो यहां पर एक ऐसी एक्सिस है जिसमें एक से अधिक फ्लावर हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में, लेकिन एक फ्लावर भी हो सकता है, उसको भी हम एक स्पेशल टाइप का इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। सो इट इज एन एक्सिस बियरिंग फ्लावर इन अ पर्टिकुलर फैशन एंड इज कॉल्ड एन इनफ्लोरेसेंस। यानी कि जो एक्सिस फ्लावर को, फूलों को एक निर्दिष्ट तरीके से अपने ऊपर सजाता है उसी को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस।
अब इनफ्लोरेसेंस कितने तरीके का होता है, सीधी बात पर आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो बच्चे देखिए, इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स मेनली, रेसिमोज है, साइमोज है और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होते हैं। यानी कि ये इनफ्लोरेसेंस इसी टाइप से मिलते जुलते हैं, रेसिमोज और साइमोज, लेकिन उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे कर दिए हैं जिसकी वजह से वो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी में आ गए। यानी कि मेन टाइप जो है वो या तो रेसिमोज है या साइमोज है, ये दो मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। स्पेशल टाइप के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज क्या है? रेसिमोज को आप इस तरह से समझिएगा कि एक इलोंगेटेड एक्सिस है जो ग्रो करता चला जा रहा है, जिसमें ग्रोथ कंटिन्यू है, रेसिमोज है ना। आप यूं भी याद रख सकते हैं कि थोड़ा इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, रस्सी की तरह बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो रेसिमोज। यानी कि इसमें जो टर्मिनल बड है वो ग्रो करता रहता है, टर्मिनल बड यानी कि टिप पर इसकी ग्रोथ होती रहती है। एंड द मेन एक्सिस दस हैज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि फिक्स्ड ग्रोथ नहीं है कितना बड़ा होगा ये इन्फ्लोरेसेंस। अगेन, जैसे कि हम प्लांट के बारे में कहते हैं कि भाई प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, इसका मतलब तो ये नहीं कि धनिये का पेड़ बरगद का पेड़ बन जाएगा। प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, यानी कि प्लांट में ग्रोथ हमेशा होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि धनिया और पुदीना जो हर्ब्स होते हैं वो बैनियन ट्री बन जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। सेम गोज फॉर द इन्फ्लोरेसेंस, इसमें यानी कि ग्रोथ की संभावना असीम है, जहां तक मर्जी वहां तक ग्रोथ कर सकता है, लेकिन क्या वाकई में ये ग्रोथ कर पाएगा? उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लावरिंग सीजन ही एंड हो जाएगा। तो ये चीज भी समझना बड़ा आवश्यक है कि हम जिस बात को इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा जो इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा है वो आसमान को छू लेगा, नहीं पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? ओके, सो सुजेता, उदयन, अरहान, समझ में आ रही है बात? ट्विंकल, ओके, काफी सारे बच्चे आ चुके हैं और आप लोगों ने हार्ट्स वगैरह भी भेजने शुरू कर दिए हैं। बच्चों, आज रिजल्ट आया है काफी बच्चों का और मुझे बहुत से बच्चों ने अपडेट किया है कि काफी अच्छा रिजल्ट आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेसिमोज का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें जो टर्मिनल बड है वो कंटिन्यू रखता है, ग्रो करता रहता है और साइड में उसमें से फ्लावर निकलते रहते हैं, साइड में फ्लावर्स एक एक करके निकलते चले जाते हैं ना। फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपीटल सक्सेशन में है फ्लावर का अरेंजमेंट, यानी कि जो नीचे वाले फ्लावर हैं वो पहले खिलते हैं क्योंकि उनका फॉर्मेशन ही पहले हुआ है। ये देखिए, जब ग्रोथ हो रहा था स्टॉक का तो ये फ्लावर आ चुके थे पहले, तो ये पहले खिल जाते हैं। जैसे अभी हमने एक वीडियो में देखा था कि नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फ्लावर्स के खिलने का क्रम जारी था। सो फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी कि ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर आर एट द टिप, यंगर फ्लावर टिप पर है। देवा, थैंक यू फॉर द हार्ट्स। तो एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि ओल्डर फ्लावर जो है बेस में है और यंगर फ्लावर एट द टिप है। यंगर फ्लावर एट द टिप क्यों है? क्योंकि टिप में ग्रोथ चल रही है। बच्चे ये देखिए, टिप में ग्रोथ कंटिन्यू है, इस वजह से रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इस तरह का देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? ये देख लीजिए, दिस इज अनदर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। नीचे जो है ओल्डर फ्लावर है, एक्रोपीटल सक्सेशन, ये देख लीजिए, ये ओल्डर फ्लावर है, ये पहले खिलेंगे और एक एक करके फ्लावर खिलता हुआ चला जाएगा और फाइनली सबसे लास्ट में टिप वाले फ्लावर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यंगर हैं, ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर आर एट द टिप। ये देख लीजिए, ये ग्रो हो रहे हैं और ये ग्रोथ अभी भी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें लास्ट में भी कभी ये नहीं होता कि बस अब टिप खत्म हो गई, अब ग्रोथ नहीं होगी। जब तक फ्लावरिंग सीजन रहेगा उसमें ग्रोथ आपको दिखाई देती रहेगी, ग्रोथ कभी खत्म नहीं होगी। मेरिस्टमैटिक सेल्स वहां पर रहेंगे, यानी कि दे वुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द शूट इन कंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं, रेसिमोस। नाउ समझ में आई बात? अब फ्लावर की जो ओपनिंग है, किस क्रम में खिलते हैं वो हमने देख लिया। फ्लावर की ओपनिंग जो है वो आउटर या बेसल फ्लावर विल ओपन फर्स्ट एंड द सेंट्रल फ्लावर जो अपर फ्लावर है वो लास्ट में ओपन होगा। समझ में आ गई बात? तो एक्रोपीटल सक्सेशन भी समझ गए और ओपनिंग किस तरह से है, ओपनिंग इज सेंट्रीपीटल। तो इस प्रोसेस में ओपनिंग होती है फ्लावर्स की। इसमें तो
जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाले फ्लावर हैं, जो बेसल फ्लावर हैं, वो पहले ओपन होंगे और जो ऊपर वाले फ्लावर हैं वो आखिरी में ओपन होंगे। जाहिर सी बात है इसी क्रम में ओपन होते चले जाएंगे, ऑल ऑफ दीज विल कंटिन्यू ओपनिंग, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमोज इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस को हम समझ चुके हैं, अब हम साइमोज इनफ्लोरेसेंस को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे, टर्मिनल बड यानी कि जो उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थी इसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ है। टर्मिनल बड बिकम्स अ फ्लावर एंड द मेन एक्सिस, अब जाहिर सी बात है लिमिटेड या डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गई। ये देखिए जो फ्लावरिंग का मेन एक्सिस स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गई एक बड, यहां से आ गई बड। अब इसमें ब्रांचेस बनेंगी क्योंकि मेन एक्सिस तो खत्म हो गया, ब्रांचेस में भी यहां पर आ गया फ्लावर और फिर उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। तो कहने का मतलब है ये बहुत इलोंगेटेड नहीं होता, पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ऐसे चौड़ा हो जाता है, यानी कि इसका जो गुच्छा है वो चौड़ाई में आ जाता है, यानी कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन साइमोज। ध्यान से देखिए, जो मेन एक्सिस थी वो टर्मिनेट हो गई फ्लावर में, यानी कि मान लीजिए ये एक्सिस ग्रो कर रही है, प्लांट की एक्सिस है, ये ग्रो कर रही है फ्लावर बनने के लिए। तो हमने क्या देखा, रेसिमोज में साइड में से फ्लावर निकलते चले जाते हैं और इसकी ग्रोथ होती चली जाती है, ऐसे करके ग्रो करता जाएगा, साइड में फ्लावर निकलते जा रहे हैं, ये देखिए साइड से फ्लावर निकलते जा रहे हैं और उसकी ग्रोथ होती जा रही है। लेकिन साइमोज में ऐसा नहीं है, साइमोज में ये निकला, यहीं पर एक फ्लावर आ गया, इसकी ग्रोथ हो गई खत्म। तो फ्लावर यहां से निकला तो अब इधर से ब्रांचेस निकलेंगे, इन ब्रांचेस ने आगे ग्रोथ दिखाई और इनके भी टिप में फ्लावर आ गया, ये फिर ब्रांचिंग दिखाएंगे, इनमें भी फ्लावर आ जाएगा। अब ये ब्रांचिंग का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया कि दोनों तरफ ब्रांचिंग ये दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है दोनों तरफ ब्रांचिंग दिखाएं, ब्रांचिंग एक तरफ भी दिखा सकते हैं। तो इसी हिसाब से इनमें अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, हम सारे क्लासिफिकेशंस को भी समझेंगे। नाउ फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल सक्सेशन, फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल, उसमें क्या था एक्रोपिटल सक्सेशन में था, यहां बेसिपिटल सक्सेशन में है फ्लावर का अरेंजमेंट, यानी कि जो ओल्डर फ्लावर है वो टॉप पर है और यंगर फ्लावर एट द बेस, साइड में है यंगर फ्लावर, क्योंकि ब्रांचेस निकल रही है तो यंगर फ्लावर हमेशा साइड में ही आते जाएंगे। जो टिप वाला मेन फ्लावर है वो ओल्डर फ्लावर है, तो सबसे पहले ओल्डर फ्लावर सबसे ऊपर निकलता है, उसके बाद यंगर फ्लावर साइड में निकलते रहते हैं। फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल, फ्लावर ओपनिंग उसमें सेंट्रीपिटल था, इसमें सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हो गया कि अपर फ्लावर ओपन्स फर्स्ट, उसमें सेंट्रीपिटल था तो नीचे वाले फ्लावर जो बाहर की तरफ थे वो पहले खिल रहे थे और सेंटर वाला जो फ्लावर था वो बाद में खिल रहा था। यहां जस्ट ऑपोजिट है, सेंट्रीफ्यूगल है ओपनिंग फ्लावर की, अरेंजमेंट आपने देख लिया बेसिपिटल सक्सेशन में है, फ्लावर की ओपनिंग सेंट्रीफ्यूगल है, यानी कि अपर फ्लावर ओपन्स फर्स्ट एंड बेसल फ्लावर ओपन्स द, ये देखिए व्हाइट वाले फ्लावर देखिए नीचे की तरफ खिल रहे हैं, नए फ्लावर बेसल फ्लावर बाद में खिल रहे हैं। तो ये है साइमोज। मेरे ख्याल से आपको अभी तक ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए कि रेसिमोज और साइमोज में मेजर डिफरेंस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के नाम भी कुछ अनोखे हैं, स्पेशल हैं। इनमें स्पेशलिटी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे बाद में, अभी डिस्कस करेंगे सिर्फ रेसिमोज और साइमोज के बारे में, क्योंकि वहीं से शुरुआत है, अगर उसमें कंफ्यूज हो गए तो स्पेशल भी नहीं समझ में आएगा। तो देख लीजिए नाम बता देता हूं, हाइपैंथोडियम ये अंजीर या फिग है, गूलर भी कहते हैं। इसके अलावा सायाथियम, सायाथियम भी बड़ा अनोखा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बच्चे आप देख रहे हैं, दिस इज इनवॉल्यूकर, ब्रैक्ट का इनवॉल्यूकर हो जाता है, और इसमें मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। फीमेल फ्लावर यूजुअली बाहर निकल आता है और मेल फ्लावर इस इनवॉल्यूकर कप शेपेड इनवॉल्यूकर के अंदर रह जाते हैं, इसको कहते हैं सायाथियम इनफ्लोरेसेंस, मेल फीमेल इसमें भी। और ये जो हाइपैंथोडियम है, फिग जिसको कहते हैं, अंजीर जिसको कहते हैं, इसमें भी दोनों तरह के फ्लावर अंदर ही होते हैं और वहीं से होता है। इसके अलावा एक और स्पेशल है वर्टिसिलास्टर, लैबिएटी फैमिली में ज्यादातर देखने को मिलता है, तुलसी में आप देखते हैं वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो इसके बारे में हम तभी समझेंगे जब हमें रेसिमोज और साइमोज के टाइप्स पता होंगे, तब वर्टिसिलास्टर में डिफरेंस क्या है। देखने में तो ये नॉर्मल स्पाइक जैसा ही दिख रहा है लेकिन इसमें डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम समझेंगे आगे चलकर। अब ये देख लीजिए क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा बच्चों ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है,
लेकिन मैं फिर भी आपको इसको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं। उसके पीछे लॉजिक यही है कि कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप कभी भी उन ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करने में सक्षम ना हो, ऐसा ना हो, आप सक्षम हो। चलिए रेसिमोस को देख लेते हैं। सबसे पहले रेसिमोस के टाइप। तो बच्चों रेसिमोस में दो सिंपल टाइप है, एक है सिंपल रेसिमोस, एक है कंपाउंड रेसिमोस। बस दो मेजर टाइप है ना, कितना सिंपल है। अच्छा सिंपल रेसिमोस में सेवन टाइप्स हैं। वो सेवन टाइप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कॉरिन, अम्बल, कैपिटुलम। और कंपाउंड रेसीम में देख लीजिए, इसमें छह तरह के हैं। पैनिकल से स्टार्ट होता है, पैनिकल, कंपाउंड स्पाइक, कंपाउंड स्पैडिक्स, कंपाउंड कॉरिन, कंपाउंड अम्बल, कंपाउंड कैपिचुलम। अब आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें समझने की कोशिश ये है कि देख लीजिए जितने टाइप हमारे सिंपल में हैं और वो सब लगभग इसमें भी हैं। तो यहां पर एक कैटकिन को छोड़ दीजिए तो देख लीजिए कंपाउंड स्पाइक भी है, उधर स्पाइक है, इधर कंपाउंड स्पाइक है, उधर स्पैडिक्स है, इधर कंपाउंड स्पैडिक्स है, उधर कॉरिम्ब है, इधर कंपाउंड कॉरिम्ब है, उधर अम्बल है, इधर कंपाउंड अम्बल है, उधर कैपिचुलम है, इधर कंपाउंड कैपिचुलम या हेड इनफ्लोरेसेंस है। तो ये रहा रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के टाइप। हरजोत थैंक यू फॉर द रोजेस, बहुत से बच्चे रोजेस भी भेज रहे हैं। बच्चों अब जब ये इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाऊंगा तो रोज यूजुअली सिंगल ही आता है, तो उसको किस इन्फ्लोरेसेंस में रखा जाएगा ये आपको बताना है। अभी आप परेशान ना हो क्योंकि अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपने बताना है कि गुलाब किस में आता है, सिंगल सिंगल सॉलिटरी फ्लावर किस में आते हैं, जो अकेले अकेले फ्लावर होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए आपको कहीं भी सॉलिटरी फ्लावर नहीं दिखाई दिया रेसिमोस में, रेसिमोस की क्लासिफिकेशन में सॉलिटरी फ्लावर नहीं आता है। तो इतना तो अब आप समझ ही गए, है ना। आर्यन थैंक यू फॉर द हार्ट्स। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं जी साइमोस, जो लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, टिप पर एक फ्लावर आ जाता है, वो साइमोस। तो साइमोस में बच्चे सॉलिटरी दिखाई देता है। तो जितने सिंगल सिंगल फ्लावर हैं वो सब साइमोस हैं, और साइमोस में भी सॉलिटरी टर्मिनल भी होते हैं और सॉलिटरी एक्सिलरी भी होते हैं। टर्मिनल और एक्सिलरी फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इवन मेंडल ने यूज किया था ये टर्म कि टर्मिनल फ्लावर वाला पी प्लांट और एक्सियल फ्लावर वाला पी प्लांट, तो वहां पर भी सॉलिटरी ही था, तो वहां पर सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी। अच्छा दूसरा जो है, जो सेकेंड है इसका, वो है यूनिपेरस और मोनोचेजियल साइमोस, है ना। मोनोचेजियल साइमोस, मोनोचेजियल का मतलब क्या होता है, एक तरफ इसमें ग्रोथ होगी। तो ये दो तरह से हो सकता है, स्कॉर्पोइड हो सकता है और हेलिकॉइड हो सकता है। बाईपेरस, दो तरह से इसमें ग्रोथ होगी साइड में, डाइचेजियल भी कहा जाएगा, और मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल। तो ये मेजर चार टाइप के हैं और चार टाइप में कुछ सब टाइप है। समझ में आ गई बात। यश, अभिजीत, शिवांशु थैंक यू बच्चे, निदा थैंक यू, ओके चलिए, अर्जुमन यस बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे टाइप्स, हमने साइमोस में क्या देखे, साइमोस में मेन चार तरह के हैं, सॉलिटरी, यूनिपेरस और मोनोचेजियल, बाईपेरस और डिसचेजियल, और मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल, इस तरह के साइमोस पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इनमें फिर जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी। एक्सिलरी क्या होता है, जो बर्ड साइड में होती है, टर्मिनल बर्ड ना होके साइड में लीफ के एक्सिल में ग्रो करता है। स्कॉर्पोइड और हेलिकॉइड, इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि स्कॉर्पोइड क्या है, स्कॉर्पियन जैसा आकार का होता है, हेलिकॉइड थोड़ा सा हेलिकल टाइप का दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे और एक एक को समझेंगे। नाउ सबसे पहले सिंपल रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस में दो थे, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के टाइप एक बार फिर से हम देख लेते हैं और यहीं से आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये इस तरह का रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है जिसमें पेडंकल अनब्रांच्ड है। सिंपल सी बात है, इसमें जो इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक होता है जिसको पेडंकल कहते हैं, है ना, फ्लावर के स्टॉक को क्या कहते हैं, फ्लावर स्टॉक। फ्लावर स्टॉक, स्टॉक का मतलब हो गया फ्लावर की डंडी, और इनफ्लोरेसेंस स्टॉक यानी कि बहुत सारे फ्लावर का स्टॉक। इनफ्लोरेसेंस स्टॉक, तो फ्लावर के स्टॉक को कहते हैं पेडिसेल। और इसके स्टॉक को कहते हैं पेडंकल, याद रहेगा।
पेडिसेल और पेडंकल, दो टर्म हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इसके बारे में। नाउ अब ये कितने तरीके का हो सकता है, तो ये है 7 टाइप का, रेसीम है, स्पाइक है, कैटकिन है, स्पैडिक्स है, कॉरिम्ब है, अम्बल है, कैपिचुलम। और जब कंपाउंड होंगे तो उस कंपाउंड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, कंपाउंड में फर्क इतना ही है कि उसमें जो पेडंकल है, मेन स्टॉक है, वो ब्रांच्ड हो जाएगा। तो पेडंकल में स्टॉक विल बी ब्रांच्ड, बस इतना डिफरेंस है। ब्रांचिंग हो जाने की वजह से थोड़ा सा वो बड़ा साइज में दिखाई देगा, इसी वजह से उसको कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बहुत ज्यादा मैं रश नहीं कर रहा हूं, आपको डिटेल में ही समझा रहा हूं। सिंपल रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में रेसीम को सबसे पहले समझ लेते हैं। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस हो और रेसीम हो तो ये समझ लीजिए दोनों एक जैसी ही चीज है, क्योंकि सिंपलेस्ट जो होता है वो रेसीम ही होता है। तो अब रेसीम में क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस ही है, जिसमें पेडंकल अनब्रांच्ड है, पेडंकल अनब्रांच्ड है, और इसमें पाया जाता है रेसिमोज हैविंग अ कॉमन इलोंगेटेड एक्सिस एंड स्टॉक्ड फ्लावर इन एक्रोपिटल सक्सेशन। जाहिर सी बात है यही रेजीम है, मस्टर्ड, रेडिश। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें जितने फ्लावर निकल रहे हैं सब में अपना अपना पेडिसेल है, फ्लावर जो है पेडिसिलेट है, ये देख लीजिए सब में अपना पेडिसेल है, हर फ्लावर में पेडिसेल है। तो पेडिसिलेट फ्लावर होंगे और अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस पेडंकल के ऊपर वो ग्रो करेंगे, मस्टर्ड, रेडिश वगैरह वगैरह में ये देखा जाता है। वो हो गया रेसीम, सिंपलेस्ट ऑफ दैट वन। नाउ कम्स स्पाइक। स्पाइक में और रेसीम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्लावर्स आर सेसाइल, फ्लावर्स पेडिसिलेट ना होकर के फ्लावर्स सेसाइल हैं, और एक्रोपिटल, एक्रोपिटल सक्सेशन में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस जो ठहरा, ये देख लीजिए स्पाइक, स्पाइक में क्या डिफरेंस है रेसीम से, कि इसमें जो फ्लावर हैं उनमें पेडिसेल नहीं है, फ्लावर उसी पेडंकल के ऊपर बिल्कुल अटैच्ड हैं, सट कर ग्रो कर रहे हैं वहीं पर, एकदम अटैच्ड वे में ग्रो कर रहे हैं। बड़े कॉमन होते हैं ये स्पाइक इनफ्लोरेसेंस भी। एकाइरैंथस एस्पीरा बड़ा कॉमन है, एकाइरैंथस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। एकाइरैंथस एस्पीरा आइडेंटिफाई करिए, ये वाला है एकाइरैंथस, ये एक तरह का स्पाइक इनफ्लोरेसेंस है, लंबी सी स्पाइक होती है, छोटे छोटे दाने जैसे इसमें फ्लावर्स आते हैं, थोड़े से हार्ड टाइप के होते हैं, और उनमें जब सीड वगैरह आ जाती है, यानी कि जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर से फ्रूट बनेगा क्योंकि एंजियोस्पर्म है, बड़े छोटे छोटे ड्राई टाइप के फ्रूट होते हैं उसमें, वो हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं, अगर स्किन के टच में आ जाए तो स्किन में भी निशान बन जाता है, स्क्रैच पड़ जाता है, लट जीरा कहा जाता है इसको हिंदी में, अपामार्ग भी कहते हैं इसको, एकाइरैंथस एस्पीरा। तो ये बड़ा अनोखा प्लांट है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसकी, बहुत ज्यादा बड़ी पत्तियां नहीं होती, हार्ड पत्तियां होती हैं, और इसकी पत्तियों में कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जिससे एस्थमा की दवा भी बनती है। तो ये बड़े काम का है, मेडिसिनल प्लांट है। इवन ये जो लट जीरा या एकाइरैंथस एस्पीरा, इसका पूरा नाम है एकाइरैंथस एस्पीरा, वन ऑफ द कॉमनेस्ट स्पीशीज, इसकी जड़ जो होती है, रूट जो होते हैं, वो टूथेक में बड़ा काम आता है, दांत के दर्द में बड़े काम का है एकाइरैंथस एस्पीरा की रूट। लेकिन आप लोग यूज मत करने लगिएगा, क्योंकि इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में जब तक आप नहीं पढ़ते हैं उससे पहले इसको यूज नहीं करना। इसके अलावा एमारैंथस, ये देख लीजिए बच्चे एमारैंथस, ये भी बड़ा कॉमन है, स्पाइक टाइप इनफ्लोरेसेंस, सड़क के किनारे आपको दिखाई दे जाता है। और एक और है जो स्पाइक कहलाता है, कैलिस्टेमोन, जिसको कहते हैं बॉटल ब्रश, पॉटल ब्रश फ्लावर, जिसको कैलिस्टेमोन भी कहा जाता है, ये फ्लावर बर्ड पॉलिनेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें एकाइरैंथस और एमारैंथस की, तो ये दोनों के दोनों छोटे इंसेक्ट भी आते हैं कई बार, और विंड पॉलिनेटेड होते हैं, क्योंकि ये बड़े ब्यूटीफुल कलर्ड नहीं होते। एमारैंथस में व्हाइटिश टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी आता है किसी किसी में, किसी किसी में इस तरह का रेडिश इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिल जाता है। यानी कि इन अ वे ये वीड हैं, जंगली प्लांट, जो आपको बड़े इधर उधर बड़े कॉमन दिखाई दे जाते हैं रोड के किनारे, हम उन प्लांट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने गार्डन में नहीं लगाते, सजावट के लिए कैलिस्टेमोन तो लगाते हैं, कैलिस्टेमोन तो ट्री होता है, प्रॉपर ट्री हो जाता है, बॉटल ब्रश ट्री बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा ट्री नहीं होता लेकिन फिर भी काफी बड़ा होता है ना, इसका ट्री, कैलिस्टेमोन का ट्री बड़े आराम से 15 से 20 फीट की हाइट तक जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत स्टेम नहीं होती, आप सब ने देखा होगा इस प्लांट को, राइट। आगे बढ़ते हैं, एकाइरैंथस एस्पीरा और एमारैंथस आप समझ गए, सब में स्पाइक है। अब देखिए जी कैटकिन, तो
तो अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा, हमने रेसिन पढ़ा, हमने स्पाइक पढ़ा, अब हम कैटकिन में आ चुके हैं। कैटकिन भी उसी तरह का है, स्पाइक टाइप का है ये, स्पाइक लाइक इनफ्लोरेसेंस बट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, छोटे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को मिला करके बनता है, यानी कि मेल कैटकिन अलग होगा, फीमेल कैटकिन अलग होगा, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर की वजह से है। फिर बताता हूं, कैटकिन में और स्पाइक में बड़ा ज्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि स्पाइक में भी सेसाइल फ्लावर होते हैं, इसमें भी सेसाइल फ्लावर हैं। तो इट इज अ पेंडुलस स्पाइक, पेंडुलम के तरह होता है थोड़ा सा, मतलब लटकता हुआ, और इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। देखिए बच्चे, ये मेल कैटकिन है और ये है फीमेल कैटकिन, ये मलबेरी है, शहतूत जिसको कहते हैं, मलबेरी या शहतूत, मोरस एल्बा साइंटिफिक नेम है इसका, मोरस एल्बा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये फीमेल जो कैटकिन है, इसमें ग्रीन कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही बाद में शहतूत बन जाता है, पूरा का पूरा शहतूत बनेगा। तो अभी तो हम इनफ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं फ्लावर, बाद में फिर फ्रूट के टाइप की भी बात करेंगे कि किस तरह से फ्रूट्स आते हैं, जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो भी फ्रूट में तब्दील होता है। एंड देन हैव अ लुक एट सैलिक्स, जिसको विलो के नाम से भी जाना जाता है, ये देख लीजिए, इसमें भी जो कैटकिन है, मेल और फीमेल कैटकिन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब स्पैडिक्स, ये भी स्पाइक है एक तरह का, जैसे स्पाइक में हमने देखा था कि भाई सेसाइल फ्लावर हैं, इसमें भी वैसे ही सेसाइल फ्लावर हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये एक ऐसा स्पाइक है जिसमें थिक और फ्लैशी एक्सिस होता है, सेंटर का जो एक्सिस होता है वो थिक एंड फ्लैशी होता है, एक्सिस मोटा हो जाता है, यानी कि स्पाइक में हमने देखा था ये रहा स्पाइक, इसके ऊपर फ्लावर थे, सेसाइल फ्लावर थे, सेसाइल फ्लावर थे। अब इसमें स्पैडिक्स में क्या डिफरेंस है, स्पैडिक्स में जो एक्सिस है वो थोड़ा सा स्वॉलिन हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा एक्सिस हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, और इसके ऊपर भी फ्लावर तो वैसे ही आते हैं, फ्लावर वैसे ही आते हैं जैसे हमारे स्पाइक इनफ्लोरेसेंस में हमने देखा, राइट। तो इसमें डिफरेंस यही है कि इसकी जो मेन स्टॉक है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। नाउ इसके अलावा इसमें कई बार लार्ज ब्रैक्ट हो जाते हैं, जिनको स्पेथ कहते हैं, जैसे कि बनाना, मेज में भी देखा जाता है, बनाना में देखा जाता है, कोलोकेशिया में, भुट्टे में भी आप देखते हैं, बीच में सेंट्रल काफी मोटा हो जाता है, उसके ऊपर आते हैं फ्लावर और वहीं से बनता है, तो ये स्पाइक है। इसमें फ्लावर तो आप समझ ही गए, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, एक तरह का स्पाइक है, फ्लैशी एक्सिस है, कवर्ड बाई वन और मोर लार्ज ब्रैक्ट, जिनको स्पेथ कहा जाता है, ये देख लीजिए सब में स्पेथ है, इसमें है, बनाना में भी आता है, मेज में भी आता है, कवर टाइप का होता है, ये देखिए स्पेथ, एंड दिस इज व्हाट इज वी कॉल्ड एज स्पैडिक्स, यही डिफरेंस है स्पाइक से। तो आपने देख लिया कि काफी तो स्पाइक से ही मिलते जुलते हैं। अब आ गए जी हम कॉरिम्ब में, तो ये एक तरह का मॉडिफाइड रेसीम है, रेसीम जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई उसमें फ्लावर्स में पेडिसेल होगा, विदाउट पेडिसेल अगर होगा तो वो स्पाइक कहलाएगा। तो ये एक तरह का मॉडिफाइड रेसीम है, बट इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें क्या होता है, जो लोअर फ्लावर होते हैं उनमें इलोंगेटेड पेडिसेल होता है, यानी कि इस तरह से ग्रोथ हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ। अब जो नीचे के फ्लावर हैं उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा आ जाती है, देखिए नीचे वाले फ्लावर जो है उनकी जो पेडिसेल है वो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है उसकी पेडिसेल छोटी होती चली जाती है, ये देख लीजिए छोटी होती चली जाती है ना। अब आप खुद ही देखिए, आपको थोड़े टाइम के बाद ये दिखेगा कि जैसे एज इफ इट इज लाइक दिस, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि ऊपर के जो पेडिसल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे वाले, हालांकि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, ग्रो करता चला जाता है, लेकिन देख करके कुछ ऐसा आभास होता है कि ये जैसे कि साइमोज हो, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो सेंटर में नए फ्लावर आ रहे होंगे, सेंटर में नए फ्लावर आ रहे होंगे और साइड में ओल्डर फ्लावर हैं, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये रेसिमोज है और कॉरिम्ब है, राइट। समझ में आ गई बात। जो नीचे वाले फ्लावर्स होंगे उनका स्टॉक लंबा होगा, जो ऊपर वाले फ्लावर होंगे उनका स्टॉक थोड़ा सा छोटा होगा। ये बड़े कॉमन है, ये भी दिख जाते हैं। इस डायग्राम को देखिए बच्चे, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं ना, बीच में कलियां हैं और साइड में फ्लावर खिल चुके हैं सारे के सारे, तो ये कैसा है, ये रेसिमोज है, लेकिन फ्लावर अपीयर करते हैं दैट एज इफ दे आर एट द सेम लेवल पर है, जैसे कि कैंडी टफ्ट में देखा जाता है, आइबेरिस अमारा कैंडी टफ्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
अम्बल इनफ्लोरेसेंस। अम्बल ये भी एक तरह का मॉडिफाइड रेसीम है जिसमें फ्लावर्स हैव स्टॉक और पेडिसल नियरली इक्वल लेंथ और ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह से ग्रो कर रहे हैं। इनमें एक इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्लावर, जैसे कि सेंटेला एशियाटिका में देखने को मिलता है सेंटेला। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है अम्बल में कि जो बाहर की तरफ फ्लावर है वो पहले खिलेंगे, जाहिर सी बात, और सेंटर के फ्लावर बाद में खिलेंगे। अगर ऐसा करके स्ट्रक्चर है तो इसको हम रेसिमोज का ही एक टाइप पकड़ते हैं, अम्बल इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैपिचुलम या हेड इनफ्लोरेसेंस, ये भी एक तरह का मॉडिफाइड रेसीम है जिसमें मेन एक्सिस फ्लैट हो जाता है और रिसेप्टेकल बन जाता है, मेन एक्सिस चौड़ा हो जाता है। लेकिन बच्चे वही चीज दिखेगी यहां पर भी, सेंटर के जो फ्लावर्स होंगे वो बाद में खिलेंगे। रिसेप्टेकल जो है कॉनकेव हो सकता है, कॉनवेक्स हो सकता है, स्फेरिकल या फ्लैट हो सकता है, और उसमें बहुत से छोटे सिसाइल फ्लावर आते हैं जिनको फ्लोरेट कहते हैं। फ्लावर्स हैं ये बच्चे, ये जो पंखुड़ियां आप देख रहे हैं ये सारे के सारे रे फ्लोरेट्स हैं और बीच में जो है डिस्क फ्लोरेट्स हैं। तो चलिए इन रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एपिचुलम या हेड इनफ्लोरेसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ द फ्लोरेट्स आर अरेंज्ड इन सेंट्रीपिटल मैनर, सेंट्रीपिटल मैनर में ही अरेंज होंगे। सेंट्रीपिटल मैनर का मतलब ओल्डर वाले बाहर की तरफ और यंगर वाले अंदर की तरफ, राइट। नाउ कैपिचुलम इज यूजुअली सबटेंडेड बाय एन इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट, इसमें एक इनवोल्यूकर दिखता है, ये देखिए इनवोल्यूकरल ब्रैक्ट, इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट, इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट से सबटेंडेड है, जैसे कि सनफ्लावर में देखा जाता है, मैरीगोल्ड गेंदा जिसको कहते हैं, टैजीटिस, मैरीगोल्ड का वैज्ञानिक नाम टैजीटिस है, तो टैजीटिस में भी देखा जाता है, सनफ्लावर हेलियंथस इसमें भी देखा जाता है। ये देखिए बच्चे डिस्क फ्लोरेट है और ये रे फ्लोरेट है, रे फ्लोरेट जो है साइड में आते हैं। ये सारी की सारी चीज आपको फील्ड एक्सकर्शन में सबसे ज्यादा समझ में आती है। डिस्क फ्लोरेट डिस्क में होते हैं, डिस्क फ्लोरेट ये देख लीजिए, इसमें स्टिग्मा स्टाइल दोनों है और साथ में एंथर भी है, नीचे की तरफ एंथर है स्टिग्मा स्टाइल, और इसमें सीड सेट हो इसके लिए स्टिग्मा में कॉइलिंग हो जाती है कई बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इसके अनोखे मैकेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए सारी की सारी चीजें इसी में है। डिस्क फ्लोरेट कैसा है? कंप्लीट फ्लावर है, उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, राइट। लेकिन जो रे फ्लोरेट है आप वो देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक्सेसरी वर्ल्ड ही है, एक्सेसरी वर्ल्ड पाई जाती है, यानी कि एसेंशियल वर्ल्ड वहां पर मिसिंग है। तो ये देख लीजिए, तो स्टिग्मा स्टाइल और एंथर भी है, फिलामेंट इसके अंदर की जो ऐसे स्टॉक जैसा है एक इलोंगेटेड पार्ट है वही फिलामेंट है, फिलामेंट कह सकते हैं, फ्यूज्ड है, एंथर ऊपर से है। देन वी हैव द कोरोला, दिस इज द कोरोला, मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला, सेपल भी आपको छोटा सा दिख जाता है, ओवरी भी दिख जाती है और ब्रैक्ट भी दिख जाता है, ये देख लीजिए। तो बड़ा अनोखा अरेंजमेंट है इसमें, एस्टरेसी फैमिली में ये पाया जाता है। और ये रहा रे फ्लोरेट, और रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों के दोनों इनफ्लोरेसेंस के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं, और सेम गोज इन मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में भी इसी टाइप का देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो आप लोगों ने अब रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस के सारे टाइप देखे जो सिंपल रेसिमोज हैं। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की। रेसिमोज तो आज कंप्लीट ही कर लें, साइमोज इनफ्लोरेसेंस और स्पेशल इनफ्लोरेसेंस अगले सेशन में करेंगे। पैनिकल, तो पैनिकल क्या है? पैनिकल एक तरह का रेसीम इनफ्लोरेसेंस है जिसमें एक्सिस ब्रांच्ड हो जाती है। तो जैसे रेसिमोज में, सिंपल रेसिमोज में हमने सबसे पहले देखा था रेसीम, वैसे ही पैनिकल भी फर्स्ट टाइप का ही है, लेकिन इसमें जो मेन एक्सिस है उसकी ब्रांचिंग हो जाती है और फ्लावर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, ये तो फिक्स्ड है, लैटरल ब्रांचेस में आ जाते हैं। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड रेसीम ऑफ रेसीम, रेसीम का रेसीम है या कंपाउंड रेसीम कह सकते हैं इसको। चलिए किसमें किसमें पाया जाता है? गुलमोहर, डिलोनिक्स, डिलोनिक्स रेजिया या गुलमोहर, इसके अलावा युक्का में पाया जाता है, कैसिया फिस्टुला में पाया जाता है, इस तरह के फ्लावर्स में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और डिलोनिक्स को देखते हैं। ये वैसे बच्चे सीजलपिनिया पुलचेरिमा है, दिस इज नॉट डिलोनिक्स, और यहां पर जो आप फ्लावर का सक्सेशन देख रहे हैं बच्चों वो रेसीम ही है। ये देखिए ये रेसीम है, इसमें ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ वैरायटीज में कई बार ब्रांचेस भी आते हैं, तो
तो उस हिसाब से हम पेनिकल में इसको रख सकते हैं। कैसिया फिस्टुला, अमलताश, ये देखिए अमलताश में देखने को मिलता है, और युक्का, ये रहा युक्का, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको याद रखने हैं, इन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे तो चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, ठीक है। देख लीजिए कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, जरूर अच्छा लगेगा आपको इन फ्लावर्स को ब्लूमिंग करते हुए देखने में। अब आपको पता लगाना है कि ये किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें कौन सा रेसिमोज है, कौन सा साइमोज है, ये आपको बताना है। तो आप सेशन के बाद कॉमेंट में बता सकते हैं इन फ्लावर्स के बारे में, हम आगे फिर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में कंपाउंड स्पैडिक्स, स्पैडिक्स तो हम देख ही चुके, अब कंपाउंड स्पैडिक्स आ गया। इट इज अ टाइप ऑफ टिपिकल स्पाइक इनफ्लोरेसेंस जिसमें एक्सिस ब्रांच्ड होती है, सिसाइल फ्लावर आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन ऑन लैटरल ब्रांचेस। बस कहानी वही है, ये स्पैडिक्स के जैसा ही है, बट सिर्फ डिफरेंस ऐसा है, कंपाउंड स्पैडिक्स है ना, तो एक टाइप का स्पाइक है, स्पैडिक्स भी एक टाइप का स्पाइक ही था। तो इसमें फ्लावर जो है वो सिसाइल होते हैं, क्योंकि स्पाइक में भी वही होता है, सिसाइल ही होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन में, क्योंकि रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है, एंड द स्पाइकलेट इज वेरी स्मॉल स्पाइक ऑफ अ कंपाउंड स्पाइक फॉर्मिंग अ यूनिट, जैसे कि ग्रासेस में पाया जाता है कंपाउंड स्पैडिक्स। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक तरह का स्पैडिक्स है जिसमें एक्सिस ब्रांच्ड है, एक्सिस कैसी है, ब्रांच्ड है। Whole inflorescence is covered by a stiff boat-shaped spath. ये देखिए स्पेथ जैसा है ना, बोट के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये कोकोनट में देखने को मिलता है। Sometimes the spadix of a compound spadix is covered by smaller spathales. कई बार छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं, तो ये है कंपाउंड स्पैडिक्स जैसा कि कोकोनट में देखते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड कॉरिम्ब के बारे में, तो ये कैसा है, इट इज अ मॉडिफाइड कॉरिम्ब अगेन, जिसमें ब्रांचिंग होंगी तो ब्रांचिंग खूब सारी सी आ जाती है और कॉरिम्ब लाइक इन्फ्लोरेसेंस बनता है। पाइरस टर्मिनालिस में देखा जाता है, ब्रासिका ओलिरेसिया यानी कि कॉलीफ्लावर में देखा जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर, कंपाउंड कॉरिम्ब, कंपाउंड कॉरिम्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड अम्बल, तो ये सब उसी टाइप के हैं जैसे आपने सिंपल वाले पढ़े, उसी में कॉम्प्लेक्स, सिर्फ ब्रांचिंग का डिफरेंस है। It is a modified umbel in which axis is branched and the branches appear to arise from one point. Branches दिखती हैं जैसे एक point से आ रही हैं। Again, involucre of bract भी पाया जाता है at the base of the branches. कौन कौन से आते हैं? Coriander, coriandrum sativum यानी कि धनिया, pinicul vulgar यानी कि fennel जिसको सौंफ भी कहते हैं, और docus carota यानी कि carrot, ये तीनों के तीनों। ये देख लीजिए बच्चे, ये पहला वाला जो है ये है हमारा कोरिएंड्रम यानी कि धनिया, दूसरा वाला है फिनिकुलम वल्गैर जिसको फेनल कहते हैं, सौंफ कहते हैं, और डॉकस कैरोटा जिसको गाजर कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड अम्बल हो गए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। कंपाउंड कैपिचुलम भी पढ़ लेते हैं, अगेन ये भी कैपिचुलम जैसा ही है हेड इनफ्लोरेसेंस, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें ब्रांचेस हैं। Axis of capitulum inflorescence is branched and several capitula are included within the same involucre of bract. जैसे कि echinops, echinetus में पाया जाता है, spiny structure होता है echinops, echinetus. समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा compound capitulum. यहीं से हमारा complete हो जाता है racemose type inflorescence. अब cymose inflorescence के बारे में हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा वक्त दे करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जितने आपको एग्जांपल्स मैंने पढ़ाए हैं उन सारे के सारे एग्जांपल्स को आपको ध्यान से समझना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे। तो मैं क्विकली इसको आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। बच्चों हमारे जो स्पेशल क्लासेस हैं उनका शेड्यूल आपके समक्ष है, मेरी क्लासेस 2 बजे से 3 बजे होते हैं, तो कल आपके साथ एनटीए पेपर डिस्कशन होगा, सुबह 9 बजे भी होगा और दोपहर में 2 बजे भी होगा, ये हमारा स्पेशल क्लास स्केड्यूल है। मंडे टू वेडनेसडे हमारे क्लासेस का स्केड्यूल आपके समक्ष है, मेरा जो स्केड्यूल है इस स्लॉट में 7 PM होता है। थर्सडे टू सैटरडे 12th के स्टूडेंट्स के लिए सेशंस होते हैं, 7 PM इज द टाइम फॉर बॉटनी।
टेलीग्राम ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना अति आवश्यक है। एक बार टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लिया, देन गो टू ब्राउजर एंड टाइप tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neetmobile, हमारे आप प्रीवियस लेक्चर यहां से व्यू कर सकते हैं। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां मिलती हैं लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरैक्ट विद अस, लाइव पोल लीडरबोर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। तो हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन बैचेस के साथ आप जुड़ें। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। गो टू प्ले स्टोर और प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, देन नीट यूजी, देन गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो आ जाएगी। यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करिए। 9, 10, 11 के बच्चे 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। मेरी पूरी की पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। यूज करें कोड प्रदीप लाइव। कोड एक फायदे अनेक। इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स, उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो कोड एक फायदे अनेक, यूज कोड प्रदीप लाइव। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9, 10th एंड 11th, 12th ऑल आर आवर सिस्टर चैनल। टुगेदर लेट्स क्रैक इट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और #NEETLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूज कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू विल बी अंडर माई गाइडेंस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों, कल सुबह 9 बजे दोबारा से हम मिलेंगे आपके साथ क्विज में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।